उड़का काम चाहिए अरे ट्रक से पहले आगे जाने का उसको करके वो भी फंसा रहा आपने वो अपन फंसने वाले है बोलना कुछ हिंदी में बोल हिंदी में बोल कुछ हाँ बारी भाषा नहीं कर रहे हिंदी इतने पन रात फोड़ की नहीं थी अने पे रहते वीडियो को तब भूलने ना तू पेर माता वीडियो कब कब लिया ना रे हाँ रे कब लिया ना मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग निकले हैं छोटे से राइड के लिए जो कि होगा बड़वाई से लेके बंटवाला तक के लिए। एक्चुअली हम लोग रिलेटिव के घर पे जा रहे थे जो बंटवाला में रहते हैं, तो सोचा इसके ऊपर छोटा सा एक वीडियो क्यों नहीं बनाया जाए। तो 35 किलोमीटर का राइड होगा एक छोटा सा। तो बाइक है जीजा की है मेरी, तो मेरी बाइक नहीं है तो गाँव में आया तो मैं जीजा की बाइक लेके घूम रहा हूँ। तो अभी जितना भी जगह घुमा हूँ मैं तो ये सब ये बाइक के साथ घूमे हम लोग, तो बाइक ने बहुत हम लोग को मदद की है। तो आज का राइड हम लोग का फिलहाल तो यही होगा सिटी 100 जो कि गांव साइड में सब यही सब चलता है। निकलते ज़्यादा टाइम पास किए बिना निकल तो ये बड़वाई है, बड़वाई से हम लोग की अभी राइड चालू हो चुकी है। छोटा सा राइड जो कि बंटवाला तरफ जाएगा। बटरफ्लाई पार्क पास में ही है, उससे कभी टाइम मिला तो जाते हैं। वो थोड़ा आगे आते ही तो वो केसर गद्दे लग गए। केसर नहीं है रे गद्दे में, बारिश यहाँ पे हुआ नहीं केसर नहीं आया भाई साइड में और भी क्या दिख रहा है।
को, हम लोग के फास्ट एंड फ्यूरियस के राइडर सब यही से जाते हैं। लड़के वाले पूछे थे लड़की के तरफ से बोले जाते खाना खाने जाते बोल रहा। अभी तो मैंने लड़की को देखा, दुल्हन को देखा, शायद अभी शादी होने वाला हुआ खाना लगता लेते अभी आए रहे क्या? अभी उतर रहे थे ना लोग, अभी दुल्हन उतरी, मैंने देखा उसको। तो आगे कोई शादी लेके घुसते हैं? हाँ घुसते, आगे किधर मिलेगा। तो हाँ चलो देख। भाई खाना खाने का तो फुल मूड था उन लोग को देखे, पर वो लोग अभी आए, मैं भी देखा आने का। उन लोगों को अभी जस्ट उतरे थे दुल्हन, तो भाई खाना अभी देखेंगे वो लोग, कुछ भी हो जाए एक डेढ़ घंटा जाएगा। अगर पब्लिक अंदर बाहर निकलती तो हम लोग घुसते थे भाई, अच्छा कपड़ा तो पहने थे, खाना खाने को फिर निकलते थे आगे, खाना भी ना खाते। देखते ना आगे कोई शादी लगी तो घुस जाते। शादी का खाना तो एकदम बढ़िया, तो भाई कोई ना नहीं बोलेगा। और पूछा तो हम लोग के पास रीज़न तो है, ये फास्ट एंड फ्यूरियस आया था, ये इधर का ही फास्ट एंड फ्यूरियस, इधर का मतलब ये बड़ा टूर वाला है, लोकल भी है एक्सप्रेस भी है। तो ये है हम लोग का मेन हाईवे, यहाँ पे दो बसेस जाती है और इसमें ओवरटेक करते हैं, टर्निंग मीनिंग पे भी ओवरटेक करते हैं। तो अभी क्या, अभी तक तो हम लोग ने उसका वीडियो बनाया नहीं है, पर ये टर्निंग पे ना ओवरटेक करते हैं लोग। अभी जितना भी टर्न दिख रहा है सिटी है, सिटी का हाईवे हम लोग का समझो है, और यहाँ पे वो बस का ओवरटेक चल रहा है, बस का ओवरटेक वगैरह चल रहा है। आगे जाता रहेगा बस, और उधर उधर गया ओवरटेक कर रहा है भाई। लग रहा है ये क्या बहुत बड़ा ये 6 लेन का हाईवे है ना क्या? सामने वाला उधर रुकना ही चाहिए, हम लोग बाइक वाले क्या कार वाले भी रुक जाए, इतना बड़ा गाड़ी आया तो प्रधानमंत्री बड़ा बहुत बड़ा बोला 4 लेन 6 लेन का हाईवे रहता है, उसमें भी कोई करेगा नहीं। तो अभी बद्रा पहुंच गए, अभी यहाँ से हम लोग पकड़े गए बंटवाला, बीसी रोड बंटवाला, जो भी रोड है कोई भी पता नहीं इसका नाम प्रॉपर पता नहीं, पर रोड पर बीसी रोड है बंटवाला, बीसी रोड शायद होगा शायद से, ये बीसी रोड है। हम लोग को लेना है राइट, हाँ बीसी रोड बराबर दिखा रहा है। तो चलो भाई मेन रोड पे तो पहुंच गए, यहाँ पे हमारे जीजा का गैरेज है, जाते जाते गैरेज के पास पहुँच गया, दिखा बाबा रहेगा के लिए मालूम नहीं। चलो लेफ्ट ही, लेफ्ट मार दी, गैरेज है ये नया खोला है उन्होंने गैरेज एकदम, तो वो है छोटा सा नया गैरेज है। अगर आप मैंगलोर में किधर कुछ होता है आपको तो यहाँ पे आप आ सकते हो, नंबर मैं बता दूँ आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देख के आप आ सकते हो। गैरेज से कुछ तो गाड़ी खुले ली,
सामने चालू चालू काम ठीक है। तो ये है सिया ऑटो वर्क्स। तो यहाँ पे अगर आप मैंगलोर में कहीं पे भी आते हो तो इस नंबर पे, जो ऊपर नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल कर सकते हो। जो भी आपकी गाड़ी के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो सकता है वो सॉल्व होगा यहाँ पे। तो पहला प्रमोशन मेरा घर से ही हो रहा है, घर से प्रमोशन। तो पहला पेड प्रमोशन नहीं है, पहला घर का प्रमोशन है। चलो भाई शाम को आता है। हाँ ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया शादी का तो खाते, जो मैंने आपको बताया नंबर, तो कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा आपका तो आप कॉल कर सकते हो। तो पहला प्रमोशन रहेगा मेरा मेरे घर से। तो बस यही कुछ नहीं, नया गैरेज खोला था तो सोचा वो नंबर आपको बता दूँ और गैरेज दिखा दूँ। ये बेतरा के एकदम नियर में, बेतरा से थोड़ा अंदर आओगे आप बीसी रोड पे, जैसे मैंने आपको दिखाया बीसी रोड से हम लोग थोड़ा अंदर आते वहीं पे है गैरेज। बाकी अगर आपको करना है तो कर सकते हो, कोई ऐसा फोर्स नहीं है। और अपना आगे चलते हैं शादी का खाना चाहिए। अभी इधर कोई ज़्यादा बादल, अभी इधर कोई हॉल नहीं लगे मेरे को लगता है। अभी आया था तो कुछ अंडाड़ा में रहेगा, उसी ना थोड़ा बड़ा रहेगा। आम तड़ी करता था अभी अपना कुछ नहीं। गर्मी तो तैरना आता है, ये बड़ा है, ये तो डीप है, तो अभी निकल दे थोड़ा आगे। बहुत बड़ी नदी है, ब्रिज भी मस्त दिख रहा है ना, फोटोशूट वगैरह कर सकता है। अरे उधर कट्टा है रे, देख आ सकता है क्या नाम नहीं मान मेरा वो रोड बन रहा है। सब कवर कर रहे। अरे अभी भी बहुत घूमने का, अपन तो कुछ घूमे नहीं। बारिश में आएगा ना वाले अभी सीधा कट्टे पे, अभी हम लोग अभी पहुंचे सीधा कट्टे से। अभी एक बंटवाला पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर रहेगा, बंटवाला पहुंच के थोड़ा वहां से अंदर जाना है। कौन सा रे आमते, कौन सा काल था, आमतड़ी, आमतड़ी, आमतड़ी गाँव में जाना है। सही रूट पे है ना, तो एक रास्ता गया था नहीं, बराबर है हाईवे यही है, पागल देखना बन रहा है, बड़ा रास्ता पहुँच जाएगा। तो आमतड़ी गांव में जाना है। एक्चुअली हम लोग गूगल मैप के ऊपर जा रहे हैं, सीधा कट्टे भी हम लोग पहली बार आए, तो बहुत फेमस है, नाम सुना है मैंने बहुत बार सीधा कट्टे, मैंने भी सुना सीधा कट्टे। हाँ तू रेन दे रहे भाई, घर के बाहर नहीं है। लेकिन आपने इधर का नहीं सुना, बेंगलोर का सुना सीधा कट्टे।
बेंगलोर का बेंगलोर में भी ऐसी तो यहाँ पे अभी काम चालू है रोड का, रोड का काम चालू है। अरे ट्रक से पहले आगे जाने का उसको करके जाने दे भाई, रोड का क्या है ये राइट कर ले। वो अभी बंटवाला पहुंच के लगता है ना। अभी ऐसे शायद से तुमको राइट लेने का ये मेन हाईवे पे पहुंच गए। होता है ये हाईवे ना, अपने को राइट मान लो। कौन सा पेटा किधर जाने का था अपने को? अमतड़ी। अमतड़ी जाने का मैप देख ले एक बार। हाँ अमतड़ी जाने का आगे से एक राइट है, मेरे को मालूम है थोड़ा, पर यही हाँ इधर से राइट था। देखते आगे चलते, ये रोड दिखा रहा आपने वो GPS पे। वो आया था कि कभी इधर इधर के शादी में आया था? हाँ ये शॉर्टकट रहेगा आप में देखना, अभी ये दिखा रहा तो उसका घर का लोकेशन है। तुम लोग किधर गए थे? घर पे गया था ना तू? पकड़ ये पकड़ना GPS बस एडवेंचर लग रहा है एकदम, पर बहुत अंदर है थोड़ा। ये देख अभी राइट है के लेफ्ट है सीधा, तो घर का रास्ता है। ये भी फंसा रहा आपने वो, अपन फंसने वाले है। वही रोड है यार, ये पागल बना रहा है। वो आगे का रोड से अच्छे से आते थे, अगर तू बराबर आया था। ये शॉर्टकट है गूगल साला वेड़ा बनाया हम लोग वाले में वाले मन में नहीं आ रहा ना बंगले वंगले के बीच में रोड एंड हो गया। जीते पागल हो गए। हाँ यही है रास्ता है। अरे रूट गलत था, हाईवे वो रोड से जाने का था एक्चुअली। हालांकि रोड एंड हो गया वहाँ पे, वो रोड का लोग घर के आस पास जाके ख़त्म हुआ है रे। घर तोड़ के जाएगा आगे रोड, क्या सीन है ये रोड से अपने को लेफ्ट मारने का। तो जाना नीचे भी हाँ, अभी सीधा सीधा जाते हैं जाने का। थोड़ा सा पत्थर था, मैं घुमाने गया तो आगे गई गाड़ी एकदम उतरी। स्लोप है ना डायरेक्ट, कैमरा में नहीं समझेगा इतना स्लोप है। ऊपर गाँव सही है एकदम, ग्रीनरी फुल, पहाड़ी पहाड़ी। तू आया था तेरे को मालूम नहीं क्या?
अकेली शादी में आया था घर, 5 साल बाद आ रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अभी, ये रोड दिखा रहा है। किधर गए किधर आए रे बाबा, कॉल कर आपको इधर से इधर से इधर से हेलो मामी यहाँ नए पन्नू ओल पो रहा ना ना ओल पो रहा। तो हम लोग लोकेशन पे पहुँच के वापस अब जाके आ चुके हैं, अभी वापस घर पे जा रहे हैं हम लोग। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे पूजा था जहाँ पे हम लोग गए थे रिलेटिव के घर पे, वहाँ पे एक नेमा करके बोलते हैं तुड़ू में, तो एक्चुअली हमें हिंदी में एक पूजा ही पकड़ो, तो वो था। तो वहाँ से अभी जा रहे हैं वहाँ पे। क्या कोरदट्टा देखे कैसे लगा चिकन फाइट WWE के बाद यही फाइट है एकदम बेस्ट। कैसे आवाज वाज कैसे कर रहे थे वहाँ पे? वर्मा वर्मा एडमा एडमा मत बात हीरोवा 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 रुक पड़े रुक पड़े एडमा को पड़े। इसने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने एक बार देखा था पर इतना बड़ा वाला नहीं देखा था। ये जब जहाँ पे गांव का पूजा होता है वहाँ पे थोड़ा बड़ा रहता है चिकन पार्ट। मैंने पहला टाइम देखा, मेरे को बहुत एकदम मजा आ गया। एडमा एडमा और मत पत्त सब चिल्लाने लगे, अचानक चिल्ला रहे इतनी बार आवाज आ रहा है और कोंबड़ी का ही आवाज आ रहा है, ककड़को एडमा एडमा और मत ककड़को एडमा एडमा। जो पहले का ट्रेडिशनल टाइप का है, मतलब मुर्गी लोग को दो लड़ाते, मतलब मुर्गे लोग को दो लड़ाते, तो उसका सब चल रहा था वहाँ पे पूजे के, वहाँ पे साइड में था तो वहाँ देखने के। और अभी यहाँ से घर पे निकल रहे हो, बारिश आ रहा है, जो पीछे का पर मॉल है बहुत सही दिख रहा ना यहाँ से। तो यहाँ पे ऐसे एक करिंजा करके प्लेस था, वहाँ पे जाने का प्लान था, जो एक माउंटेन है ऊपर से, वहाँ पे एक मंदिर है। तो अभी लेट हो चुका और बारिश भी आ रहा है, तो प्लान कैंसिल किया हम लोग ने। तो अभी सीधा वापस घर पे जाएंगे और बारिश ऑलरेडी आ चुकी है, तो फटाफट भागते यहाँ से ना, भागते सीधा। चलो फिर चल चल चल, क्या निकाल रहा मोबाइल रखने? हाँ निकाल, चल चल फटाफट। सुबह में धूप से परेशान थे और अभी बारिश से परेशान, ठंडा हवा चल रहा है एकदम, ठंडा सा हवा मार रहा है, गर्म ठंडा और एकदम हालत भी खराब हो चुकी है। पर जो गर्मी है यहाँ की, उसमें 2 दिन में हम लोगों का कलर उड़ चुका है, हाथ का कलर तो भाई मालूम ही नहीं पड़ रहा मेरा। तो भाई गर्मी की वजह से हम लोग का कलर तो 2 दिन में पूरा उतर गया, जो बीच घूमने गए उधर ही कलर आता चला गया ना। यहाँ से यहाँ से लेफ्ट से आए थे ना, अपने यहाँ से अपने रास्ते से जाएंगे सीधा पड़ेगा अपने को, तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट मारेंगे मूड बेदरी के लिए, और मूड बेदरी होके जाएगी, ये बाईपास तो रोड है जो अभी हम लोग डिस्प्ले थे। यहाँ से नदी दिख रही हो आगे, मिलती थी ना अभी, ये महालक्ष्मी सुबह मिली थी बस, सुबह मतलब दोपहर को मिली थी। अभी तो आगे आगे जाएगा तो पूरा पहाड़ है वहाँ पे, तो और ठंडा हवा मारेगा, ठंडा हवा की बारिश भी रहेगा, जगह मंजूश्री भी मिली थी ना, मंजूश्री कितने बार मिली, तैयार हो गया लगता है।